तो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड ऐसा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, आगे चल के भी बढ़िया रहना। तो आज मेरे पास फ्री फायर कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज अपडेट है एंड आज की वीडियो में कंट्रोवर्सी भी, तो इन तक जरूर से देखना। एंड आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 50 लाइक्स, तो इतना तो तुम लोग करवा दोगे बहुत कम ही है, तो जरूर से करवा देना। तो चलिए बढ़ते अपनी पहली अपडेट की तरफ एंड बात करते हैं लोकेश गेमर की गर्लफ्रेंड यानी कि एलआर मून के बारे में। तो कल के दिन जब लोकेश गेमर के साथ ये लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, तो उसी टाइम पे बहुत सारे बंदे इनको हेट देने लगे एंड बहुत सारे बंदे इनको गालियां देने लगे। एंड इसका रीजन है आरजी एलेक्सा, क्योंकि आरजी एलेक्सा भी उसी टाइम पे अपने चैनल पे लाइव थे एंड एलआर मून के चैनल पे उन्होंने रेड किया था। एंड रेड करने के बाद भी जब एलआर मून ने रिप्लाई नहीं किया तो आरजी एलेक्सा थोड़ा सा सैड हो गए थे एंड उन्होंने क्या कुछ बोला, आप लोग देखिए। पहले यार रेड नहीं देख रही मैम, 200 की वॉचिंग चल रही है। टीम खत्म ही नहीं शुरू, क्या बोला भाई अपनी। आई हैव बीन स्ट्रीमिंग कब से लेकर भाई, क्या बोला भाई मां की पूरी, भाई चैट ही नहीं पढ़ रही वो। गाइस बड़े लोग हैं ना, बट ऐसा नहीं होना चाहिए ब्रो, ठीक है? हर चीज के लिए होता है ब्रो रेड, ये थोड़ी ना है कि आप चैनल इतना बड़ा है फिर रेड मार दी तो आप चैट नहीं पढ़ रहे। अरे ये पुरानी स्ट्रीम चल रही है एलेक्सा, सच में गाइस, बट क्या बोलें ब्रो ऐसे, क्या भाई अलग ही, भाई अलग ही, क्या बोलें, रेडी मारने का मन नहीं होता ब्रो सच में। चलो गाइस चलते हैं, ठीक है ब्रो, अब से बड़े कंटेंट क्रिएटर को नहीं मारेंगे ब्रो, नॉर्मल को मारेंगे, नहीं मारना गाइस अब से, तो बड़े हैं नहीं मारेंगे, जिसके 1 लाख के नीचे नहीं कमाए। गेमिंग ने पढ़ ली तो तुम कौन हो गए, सही बात है। चलो कोई ना, चलो गाइस चलते हैं, अपना ध्यान रखना, घर पे रहना, सेफ रहना। एंड जब बहुत सारे बंदे गालियां देने लगे, जिसके बाद लोकेश गेमर एंड उनकी गर्लफ्रेंड ने किया इसके ऊपर रिप्लाई किया, आप लोग देखिए। अभी पता क्या हुआ लोकेश मेरे साथ पे, क्या हुआ अब पता नहीं किसने रेड मारा, ठीक है हम लोग अपनी बातें कर रहे थे, ठीक है एंड लाइक मैंने OBS खोल के रखा था, मैंने चैट स्क्रीन नहीं खोल के रखा था, ठीक है तो मेरे को पता ही नहीं चला। अब मेरे को कहां से पता चलेगा, मेरे पास डबल स्क्रीन ट्रिपल स्क्रीन तो है नहीं कि मैं उस पर देखूं, है ना। माय चैट रस स्पैमिंग ना हो कि से सॉरी, व्हाई शुड आई से सॉरी भाई, मैंने बोल तो दिया, कोई नहीं मतलब चैट बस हो गया। अब तो इंटरेक्ट तो करना पड़ेगा ना भाई, आई सेड कि मैंने नहीं देखा यार, हो गया छोड़ दो, हो गया वही ना, हो गया फिर, हो गया कुछ प्लेयर्स को वार्निंग दिया है एंड ये बोला की वो लोग पैनल यूज कर रहे हैं एंड हैक यूज कर रहे हैं। वैसे मैं आप लोग सबसे पहले वीडियो क्लिप दिखाता हूँ तभी आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। वापस आ रहा है, ऑब्वियस हम वापस आएंगे भाई, और बहुत ऐसे लोग हैं मजाक से हट के, बहुत सारे लोग हैं जो तुमको पैनल लगा लगा के अभी भी चूतिया बनाते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। और अभी एक चीज पैनल के ऊपर की आ गई है, जो चीजें भाई मतलब अभी के टाइम पे जो ये पीसी टट्टो का टॉप गिल्ड्स है ना, 2-3 उनके बंदे यूज कर रहे हैं। अब जो यूज कर रहा है देखो, मेरे को नहीं लगता कि उनके लीडर्स को ये बात पता है, नहीं तो पता होगा तो फोनी भाई उड़ता तीर गार्ड में लगा, तुम समझ ही सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ एंड बात करते हैं ब्लैक फ्लैग आर्मी यानी कि एमआरआई के बारे में। तो भाई इनको हो चुका है 25 लाख का नुकसान, क्योंकि इनकी आईडी को परमानेंटली गरीना ने बैन कर दिया विदाउट एनी रीजन। वैसे तो इन्होंने इसके ऊपर एक वीडियो भी डाली है, बट मैं आप लोगों को शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो बेसिकली इन्होंने अपनी वीडियो में ये बोला कि इनकी आईडी 25 लाख रुपए की थी एंड इनकी आईडी पे करीब 4 लाख से प्लस डायमंड भी थे। एंड अगर आप लोग इनको जानते हो तो आपको पता होगा फ्री फायर के काफी पुराने यूट्यूबर हैं एंड इनके पास सारी रेयर आइटम्स एंड बहुत सारी चीजें हैं, सच में इनकी आईडी काफी एक्सपेंसिव थी। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि गरीना पार्टनर प्रोग्राम में थे यानी कि इनके पास भी बस था, फिर भी इनकी आईडी को गरीना वालों ने परमानेंटली बैन कर दिया। वैसे आप लोग चाहो तो ये वीडियो देख सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ एंड बात करते हैं एक यूट्यूबर गेमिंग विद शुभ के बारे में। अभी के टाइम पे इनको फ्री फायर की ऑडियंस की तरफ से बहुत ज्यादा ही हेट मिल रहा है एंड ऑडियंस नहीं, बड़े बड़े क्रिएटर लाइक स्काई लॉर्ड, बिंजत गेमिंग, ओरा गेमिंग एंड और ही बहुत सारे कुछ क्रिएटर्स इनको एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्री फायर इंडिया के नाम पे फेक वीडियोज वगैरह बना रहे हैं।
एंड इनकी लगभग हर एक वीडियो पे काफी अच्छी व्यूज भी आ रही है। तो आप लोग पता हो कि बिंजत गेमिंग ने भी सबसे पहले इनको एक्सपोज किया था एंड बिंजत गेमिंग को इन्होंने रिप्लाई भी किया था एंड रिप्लाई में उन्होंने क्या कुछ बोला था आप लोग देखिए पहले। अरे मैं बताता हूँ ना, एंड ऑब्वियसली बात है यार, मैं ही बताऊंगा। अब खुद की लाइफ की झूठी कहानी बनाने वाले तो बताएंगे नहीं। एंड इसी के बाद बिंजत गेमिंग थोड़ा सा इनके ऊपर गुस्सा हो गए थे एंड गुस्से में उन्होंने क्या रिप्लाई किया आप लोग देखिए। बोला है कि नहीं, लेकिन बोल रहा है, सब बोला है, अगर बोला है तो उसको बोलना, उसको बोलना एक-एक स्टोरी टाइम का प्रूफ मैं देता हूँ, पूरा प्रॉपर कश्मीर का टिकट भी मैं भेजता हूँ, सारे बंदों से मिलाता हूँ जो स्टोरी टाइम है। क्या तुम चैनल डिलीट करोगे उसके बाद बताओ? मैं तुम्हारी ना एक एक सारी वीडियोस में झूठ दिखा सकता हूँ। मैं जानता भी नहीं था कल तक बे तुम्हारी कसम बनी, मैं पता ही नहीं है वो कौन है, ठीक है? मैं आज तक नाम भी नहीं सुना, कल मैंने क्या वीडियो बना दिया, मिर्ची लगी होगी ना बे। अबे साला छोड़ो ना इनको भाई। अगर उसने बोला मेरा स्टोरी टाइम फेक है, ठीक है, उसको कैसे पता, उसको कैसे पता? लेकिन उसका फेक, उसका जो फेक वीडियोस है वो तो सीधे दिख रहा है ना। उसने बोला है अपने वीडियो में, पहले मैं बात क्यों करूं बे, मैं ना हवा नहीं देता ऐसे बंदों को, ठीक है? सही बोल रहा हूँ, मैं जानता ही नहीं हूँ कौन है, ठीक है? तो मैं आज तक किसी की बात ही नहीं करता, मेरे को आदत नहीं है भाई ये सब करने की, ठीक है? तुम जो भी हो मैं नहीं जानता, आई स्वेयर, मेरे को पता ही नहीं था कल तक तुम कौन हो। तो मैं क्या बोला इनमें, बंदे ने बोला है अपनी वीडियो में भुया पास आएगा वो लाइफ टाइम रहेगा, एक बार खरीदने बजे वो, हाँ वो देख बातें क्या कर रहे हैं, मतलब उससे रिवार्ड में डायमंड मिलते रहेंगे 500। हाँ 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 ठीक है, उसने वीडियो बनाया 25 सीक्रेट टिप्स, 25 सीक्रेट थिंग्स कमिंग इन फ्री फायर इंडिया, फिर एक और वीडियो बनाया 25 थिंग्स कमिंग इन फ्री फायर इंडिया, फिर एक और बनाया 10 थिंग्स कमिंग इन फ्री फायर। उसके हिसाब से 60 चेंज होने वाली है जो ना पिछले 2 साल से नहीं हुए, बढ़वे क्या कर रहा है, 60 चेंज होने वाली है क्या फ्री फायर में? अबे बताओ नंगा करूंगा भाई, मैं पोल थोड़ी खोलता हूँ। एंड हाँ, जिन जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी थी वो ये मत समझना ना कि एक ही न्यूज को मैं बार बार कवर कर रहा हूँ, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पूरी न्यूज कवर नहीं की थी, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने कुछ पार्ट इस वीडियो में भी कवर कर दिया है। तो चलिए बढ़ते अपनी अगली अपडेट की तरफ एंड बात करते हैं इंडिया के मोस्ट वॉचेड यूट्यूब गेमिंग स्ट्रीमर के बारे में। एंड ये लिस्ट निकल के आगे है जिसमें सेकंड नंबर पे थे ज्ञान गेमिंग एंड फोर्थ नंबर थे अनग्रेजुएट गेमर। तो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। एंड गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आप लोग वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना एंड न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, एंड सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। एंड हाँ, अगर आप लोग मेरे से बात करना है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैं हर एक का रिप्लाई करता हूँ, इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। एंड चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।